एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये एंड बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, खड़े मसाले जैसे कि 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी मेथी एंड 2 सूखी लाल मिर्चें एंड हींग डालेंगे, पिंच ऑफ हींग, बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ एंड 2 हरी मिर्चें। इन्हें फ्राई कर लेंगे हम जब तक कि लहसुन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। यहाँ पे 2 प्याज डाल रही हूँ मैं, छोटे टुकड़ों में कटे हुए। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी, ये 4 टोमेटोज़ की प्यूरी है, 4 से 5 टोमेटो की प्यूरी आप बना सकते हैं। 2 मिनट के लिए टमाटर की प्यूरी को पकने देंगे एंड मसाले का ब्लेंड बना लेंगे। एक बोल लेंगे, इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे एंड एक पेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मसाले तेल में जले नहीं, अक्सर मसाले जल जाते हैं पकने से पहले ही। टमाटर की प्यूरी यहाँ पे पक चुकी है हमारी, अब हम इसमें मसाले का पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से एंड इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना करे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है वरना ये जल भी सकता है। ये देखिए ऑयल रिलीज हो गया है मसालों में से, यानी अच्छे से पक गए हैं ये। अब यहाँ पे मैं आलू डालूंगी। 5 से 6 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें भी मीडियम साइज में कट किया है, वॉश करके रख लिया था पहले ही। थोड़े से मटर डालूंगी, अराउंड 1/2 कप। इन्हें भी हम भुनेंगे इस मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़ा कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, बंद नहीं करूँगी, बस लगाऊंगी ताकि अच्छे से मसालों में आलू एंड मटर फ्राई हो जाएं। ये देखिए बंद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रख रही हूँ ढक्कन। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे एंड पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी खानी है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं इसको सेमी थिक बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ, तो मैं 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है मैंने। अब कुकर का लिड लगा देंगे एंड इसे 3 विसल आने तक पकाएंगे। 3 विसल के बाद आपको इसको ओपन नहीं करना है, अपने आप से ठंडा होने देना है, फिर ही खोलना है। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है एंड आलू भी अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। सर्व कर लेते हैं इसे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस रेसिपी। थैंक यू वेरी मच।